फान भाई ने अपने वीडियो में बताया था कि उनकी फेवरेट मूवी दिल चाहता है। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है, कभी ना बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। तो वैसे तो सापुतारा सिलवासा से लगभग 140 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में 3-3.5 घंटे लगते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ ये 3 घंटे काफी मजेदार होते हैं। 70 किलोमीटर कंप्लीट हो गया हमारा, हमने ब्रेक लिया, टी ब्रेक। अब पेट पूजा करने के बाद हम निकल रहे हैं वापस। सुभाष भाई अपने लगे हुए हैं खाने पीने में। सुभाष भाई खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या खा रहे हो आप सर? ये लिटिल हार्ट लिखे हैं। लिटिल हार्ट इंग्लिश नाम है, तो सुभाष का पढ़ने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। सुभाष कैसा लगा आपको अब तक गाड़ी चलाने में? ये अच्छा है। तो आगे मिलते हैं। गो, गो, गो। और बहुत से टर्न बम्पर पार करने के बाद आखिर हम पहुंचे। कहाँ पहुंचे हम लोग? सापुतारा लेक व्यू पॉइंट। सापुतारा 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 सापुतारा। हालत खराब। किसका हालत खराब? मेरा हालत खराब मानना पड़ेगा। मेरा But I am now active. मैं अभी भी मेरा हालत खराब है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दोस्तों के साथ ट्रैवल करने पे आप बहुत सी अजीब और गजीब हरकतें करते हैं। अच्छा मतलब खड़ा रहेगा? खड़ा रहेगा तो नहीं मिलेगा, तीन दिन गिरना चाहिए। मत और 50 रुपया कमाते हुए सुभाष एवं जग्गू, इनको इनाम मिलता है घोड़ा, ये वाला, और यहाँ पे घोड़सवारी, गाड़ी की सवारी, घोड़सवारी, ये है गाड़ी की सवारी और इसके पीछे आ रहे हैं घोड़सवार। तबरिक 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 तबरिक। ये बड़ा घोड़ा, उसके नीचे खड़ा सुभाष। यार फिलहाल टाइम हुआ है 12 बजे और कुछ दुकानें अभी भी बंद हैं, जो कि हो सकता है शाम को खुले। यहाँ पे गोला की दुकान चालू है, चाइनीज है क्या, गोला शॉप, और ये मैगी आते हुए, साई पाव भाजी सेंटर। अगर आपको पाव भाजी खानी है, मैगी खानी है, काफी वैरायटी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो फिर ऊपर जाना है। और हर सफर की सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सिर्फ ट्रैवल करना नहीं, उस जगह को फील करना, और वो हमने बहुत ही अच्छे से किया। ये है कांटे वाला पेड़। हाँ, इसमें बड़े बड़े कांटे, आपको कांटे लग सकते हैं, चुभ सकते हैं, खून बह सकते हैं। इसमें इधर पे फर्स्ट एड भी नहीं है और हॉस्पिटल भी नहीं है। तुम ध्यान से चलिएगा और नीचे ध्यान से उतरिएगा। पेड़ गिर गया यहाँ पे, बहुत
स्लिपरी है, क्या बोलते हैं हिंदी बोलते यहाँ पे, फिसलन है बहुत, फिसलन है बिना पानी की फिसलन। ओ जी भाई, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों समझाए तो भी नहीं समझा। और ये हमारे माउंटेन मैन, जब मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर गर्ल्स नहीं था हाँ? तब ये वीडियो बनाते थे वो। अच्छा, ये गुप्ता जी हाँ, ये थे वो आदमी जो पुराने वीडियो में देखना। आपको कैसा लगा आपने माउंट एवरेस्ट का छोटा भाई फतेह कर लिया? काफी अच्छा लग रहा है हाँ? इन्होंने बताया राहत मिली है हमको, इन्होंने बताया कि हम सहारा देंगे खुद ही पहले आगे नहीं, दूसरा रास्ता पता नहीं कहाँ है, कहाँ गेट में रास्ता है पता नहीं कहाँ है। और हम उतरे इस पहाड़ से रोप वे वाला एरिया घूमने के बाद अब सुभाष हमको लेके जाएगा लेक, लेक व्यू। सुभाष क्या करेगा, तो लेक है और उसमें डुबकी मार के ना मच्छी पकड़ के लाएगा, फिर फ्राई करेंगे, फिर गुप्ता जी उसको है ना फ्राई करेंगे और जग्गू उसको खाएंगे, वही खाएगा क्या, और हमें देख के उसका वीडियो बनाएंगे। तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। और ये वीडियो देखने के बाद मैं एक ही बात कहूंगा कि यादों में एक बात खास होती है, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाए। एक बार याद करने बैठो तो फिर से यादें ताजा हो जाती हैं। और यही हुआ इस वीडियो को बनाने के टाइम। कभी अक्कड़ थी कभी बक्कड़ थी, कभी टेढ़ी थी कभी मेढ़ी थी, थोड़ी अकड़ी थी थोड़ी जकड़ी थी, पर लपक के हमने पकड़ी थी। जिंदगी यादों की गुल्लक सी, ये जिंदगी गुल्लक सी।